साबिक वज़ीर-ए-आज़म मियां मोहम्मद नवाज शरीफ का नाम ECL से हटाने का फैसला कर लिया गया। ज़राए के मुताबिक फैसले की बाज़ाब्ता हिदायत का वज़ारत दाखिला में इंतजार किया जा रहा है, जिसके बाद नवाज शरीफ का नाम ECL से निकाल दिया जाएगा। वज़ारत दाखिला के ज़राए का मज़ीद कहना है कि नवाज शरीफ का नाम वफ़ाकी हुकूमत की वाज़ह हिदायत के बाद ही ECL से हटाया जाएगा। वज़ारत दाखिला ने नैब से मुशावरत शुरू कर दी। ECL से नाम खारिज होने के बाद नवाज शरीफ अगले हफ्ते इलाज के लिए लंदन रवाना हो सकते हैं। इससे कबल मियां नवाज शरीफ के भाई मुस्लिम लीग नून के सदर मियां शहबाज शरीफ ने ECL से नवाज शरीफ का नाम निकालने के लिए वज़ारत दाखिला में दरख्वास्त जमा कराई थी, जिसमें तिब्बी बुनियादों पर नवाज शरीफ का नाम ECL से निकालने की इस्तदा की गई थी। शहबाज शरीफ ने नवाज शरीफ की तीमारदारी के लिए जाती और सियासी मसरूफियात तर्क कर दी हैं। नवाज शरीफ को उनके अहले खाना ने राजी किया कि वो बैरून मुल्क इलाज के लिए जाएं। उनके हमरा शहबाज शरीफ भी बैरून मुल्क जा सकते हैं। साबिक वज़ीर आज़म को प्लेटलेट्स की कमी के बायस तश्वीशनाक हालत में जेल से सर्विसेज अस्पताल में मुंतकिल किया गया था, जहां 16 रोज उनका इलाज जारी रहा। बाद इज़ा तिब्बी बुनियादों पर अदालत ने नवाज शरीफ को इब्तदाई तौर पर 8 हफ्ते के लिए जमानत दी थी, जिसके बाद नवाज शरीफ अस्पताल से अपनी रिहायशगाह जाती उमरा में मुंतकिल हो गए, जहाँ उनकी निगहदाश्त के लिए खसूसी यूनिट भी कायम किया गया था।